निगरान वजीर आला पंजाब की तकरीरी का मामला लटक गया। परवेज इलाही और हमजा शहबाज में इतफाक ना हो सका। निगरान वजीर आला की तकरीरी अब पार्लिमानी कमेटी करेगी। गवर्नर पंजाब ने पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर सप्तैन खान को खत लिख दिया। हुकूमती इतिहाद ने पार्लिमानी कमेटी के लिए मियाँ असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां वक्त के नाम स्पीकर को भेज दिया। अपोजीशन की जानिब से मलिक अहमद खान, खलील ताहिर सिंधु, हसन मुर्तजा नामजद मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी कमेटी के नामों की मंजूरी दे दी। स्पीकर सप्तैन खान से पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत के नामजद अरकान की मुलाकात। मियां असलम इकबाल, राजा बुशारत, हाशिम जवां वक्त के स्पीकर सप्तैन खान से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असेंबली ओपोजिशन के नामों के मुंतजर कहते हैं ओपोजिशन के नाम ताहाल मौसूल नहीं हुए। ओपोजिशन की जानिब से नाम मिलने के बाद पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार। इमरान खान चंद रोज में इंतखाबी मुहिम के मामलात को हतमी शक्ल देंगे। इमरान खान टांग से प्लस्टर उतरते ही सियासी सरगर्मियों की कमान संभालेंगे। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी की मुआशी टीम का इजलास। परवेज खटक और शिपली फराज समान पाक पहुँच गए। सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर्स की ताजनाती का गजट नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब ने काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम दिए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत एडमिनिस्ट्रेटर बहाल। बल्दियात के तमाम तर इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द कर दिए गए। सूबे की 11 मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशंस की सरबराही कमिश्नर्स करेंगे। सेमी अर्बन इलाकों की 11 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के सरबरा डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। देहाती इलाकों की 30 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी डेप्यूटी कमिश्नर्स होंगे। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। मार्केट में सब्जियों के महंगे दामों फरोख्त जारी। सब्ज मसाला जात खरीदना भी मुश्किल। अदरक 460, लहसुन 400 रुपए किलो तक बिकने लगा। प्याज 250 से नीचे ना आ सका। एक किलो प्याज 260 रुपए तक फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो तक पहुंच गई। फलों में अनार बदाना 740, सेब 350 रुपए किलो, केला 140 रुपए दर्जन में दस्तयाब। सरकारी निरखों पर आटे की दस्तयाबी मुश्किल। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1950 रुपए तक दस्तयाब। चक्की का आटा 150, सुर्ख आटा 120, सफ़ेद आटा 130 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। महकमा खुराक की जानिब से मखसूस पॉइंट्स पर आटे की फराहमी जारी। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में मिलने लगा। ट्रक पॉइंट से आटे की खरीदारी शनाख्ती कार्ड से मशरूत। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। बादलों और सूरज की आंख मचोली। लाहौर में सर्दी की शिदत में मामूली कमी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 24 घंटे में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। लाहौर की फिजा से आलूदगी कम ना हो सकी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया। गजुमता 348 AQI के साथ सर फहरिस्त। अपर माल 344, शिमला पहाड़ी में 270 AQI रिकॉर्ड। स्मोक के तदारुक के दायर दरख्वास्त पर समाप्त। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि सूबाई हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए नाकाम हो चुकी। स्मोक के बायस शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर कार्रवाई 20 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने बच्ची को बाप से लेकर माँ के हवाले कर दिया। बच्ची का माँ के साथ जाने से इनकार। बाप की जुदाई में बच्ची कमरा अदालत के बाहर रोती रही। मां रोती हुई बच्ची को साथ लेकर रवाना। खातून ने शोहर से बच्ची की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। राजा रियाज को बतौर ऑपोजिशन लीडर ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर समाप्त। वफाकी हुकूमत स्पीकर कौमी असम्बली एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। हाई कोर्ट की आइंदा समाप्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत।
पुलिस में असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के खिलाफ केस। अदालत ने पंजाब हुकूमत, आईजी समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी, मुआवनत के लिए पेश होने का हुक्म। वॉल पैनल मर्जी के मुताबिक ना लगाने का केस। दुकानदार के खिलाफ 1,29,000 रुपए की डिक्री जारी। सारिफ अदालत का दुकान मालिक को हर्जाने की रकम अदा करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने दुकानदार से 3,00,000 रुपए हर्जाने की रकम दिलवाने की इस्तदा की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अली रजा एंटी करप्शन अदालत लाहौर तायुनात। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में 2 माह बाद जज तायुनात किया गया। पुलिस का रवैया बेहतर होने से मुआशरे में इज्जत बढ़ेगी। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। गुड गवर्नेंस और डिलीवर करने वाले ऑफिसर को कोई नहीं निकाल सकता। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के जेरे तरबियत ASP बैच से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आला ने जेरे तरबियत पुलिस अफसरान के सवालात के जवाब भी दिए। खवातीन पुलिस अफसरान के लिए अच्छी खबर। IG पंजाब का तमाम अज़ला में एक थाने में खातून SHO तैनात करने का हुक्म। एडिशनल IG ट्रेनिंग खवातीन SHOs की तैनाती यकीनी बनाकर रिपोर्ट भिजवाएं। वुमेन हेल्प डेस्कों पर खवातीन अहलकारों की तैनाती को भी यकीनी बनाया जाए। IG पंजाब आमिर जुल्फिकार खान की ज़ेर सदारत आला सतह का अजलास। खवातीन पुलिस अहलकारों के पेशा वराना अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में तकरार तबादले। ग्रेड 19 के मुदस्सिर एजाज को डायरेक्टर मार्केटिंग 2 PHA लगा दिया गया। ग्रेड 18 के जुबैर को डायरेक्टर फाइनेंस PHA तैनात कर दिया गया। ग्रेड 18 की जूफिशा जावेद को डेप्यूटी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन PHA तैनात कर दिया गया। टेफ्टा के 6,500 मुलाजमीन की सुनी गई। वजीर आला पंजाब ने डिस्पेरिटी अलाउंस देने की मंजूरी दे दी। मुलाजमीन को 40% डिस्पेरिटी अलाउंस मिलेगा। नकल रोकने के लिए जैमर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहानी सेंटर्स में जैमर्स लगाने शुरू कर दिए। चेयरमैन जफर इकबाल कहते हैं कि PPSC को ऑटोमेशन पर मुंतकिल करने का भी फैसला कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से PC2 की मंजूरी दे दी गई। पंजाब डेंटल हस्पताल में शाम के वक्त भी इलाज की सहूलत मुयसर होगी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। डॉक्टर अहमद जावेद काजी कहते हैं 23 जनवरी से पंजाब डेंटल हस्पताल में मरीज शाम को भी मुआयना करा सकेंगे। मरीजों को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे।